You are watching Gatecrackers. For more videos and latest updates, please subscribe our channel. नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, ये जो वीडियो है, आज का वीडियो कोई टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आपको मैं कोई सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी देने वाला नहीं हूं। आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि तैयारी करते करते सक्सेस नहीं हो रहे हैं और फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनको मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनको बहुत काम आने वाली है कि कैसे मेहनत करने से सफलता मिलती है। बहुत सारी हम कोटेशंस पढ़ते हैं बहुत टाइप की, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बहुत सारी चीज़ें। मैं एक इसका रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं ये पेज इसलिए लिए हूँ कि इसमें वो सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो जो घटनाएं घटित हुई हैं। तो बहुत अच्छे से सुनिएगा, ये स्टोरी के लास्ट में आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आप कभी भी हार नहीं मानने वाले, मैं गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, 2010 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, साथ ही साथ मैंने फाइनल ईयर के साथ ही गेट क्वालिफाइड कर लिया था और रैंक भी आसपास लगभग 3500 के आसपास आई हुई थी। उस टाइम पे 3500 रैंक ठीक ठाक मानी जाती थी और मेरे कॉलेज से, मैंने जहाँ से इंजीनियरिंग की थी सागर मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पे केवल उस टाइम पे 3 ही बच्चे गेट में क्वालिफाइड हुए थे हमारी ब्रांच से। बिना कोचिंग के क्वालिफाइड होना मतलब ठीक माना जाता था। तो मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सफलता फाइनल ईयर में ही मिल गई तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही मेरी फाइनल ईयर का फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई किया और मैंने देखा कि जितने भी NITs हैं वो मुझे नहीं मिले क्योंकि ये रैंक भी कम थी। तो मैंने भोपाल में गया मैं, और मैंने एक कॉलेज है RGPB, एक यूनिवर्सिटी है वहाँ का, उनका खुद का कॉलेज है, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी में के रूप में जॉब ज्वाइन कर ली। जैसे ही मैंने जॉब ज्वाइन की और साथ ही साथ तैयारी के लिए एक वही लोकल में कोचिंग ज्वाइन कर ली, और मुझे पता चला कि मैनेट में मेरा थर्ड राउंड में कॉल आ गया मुझे मैनेट से। मतलब मैं जाता वहां तो हो सकता था, चांसेस थे कि हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन कॉल आ गया था। लेकिन मैंने इस चीज़ को छोड़ दिया, मैंने सोचा जॉब के साथ में तैयारी करूँगा तो हो सकता है कुछ अच्छी रैंक आ जाए। ये 2010 की बात थी। जैसे ही मैं 2011 में पहुंचा, 2011 में मैं पहुंचा तो अगेन मैंने गेट दिया और मेरी रैंक जो थी वो इसी के आसपास थोड़ा सा और बिगड़ गई, लगभग 4000 के आसपास हो गई। मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गया, समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, एक साल मेरी बर्बाद हो गई और मैंने कुछ नहीं किया। किस्मत से जिस RGPB में मैं जॉब कर रहा था उसी RGPB में फर्स्ट टाइम, किस्मत देखिएगा, मेहनत करते रहो तो कुछ ना कुछ हो जाता है, इस रैंक पे कोई कॉलेज अगेन नहीं मिलने वाला था क्योंकि इस रैंक पे भी नहीं मिला था, लेकिन उसी टाइम पे RGPB में फर्स्ट टाइम MTech स्टार्ट हुआ डिजिटल कम्युनिकेशन ब्रांच से, और किस्मत से वो फर्स्ट टाइम था और मुझे इस रैंक पे वो कॉलेज मिल गया। तो जहाँ मैं जॉब कर रहा था, जॉब छोड़ के वहीं मैं MTech करने लगा, लेकिन मैं खाली नहीं बैठना चाहता था, तो मुझे लगा खाली बैठना ठीक नहीं है। जिस कोचिंग में मैं पढ़ता था, मैंने उसी कोचिंग में सर से बोला कि सर मुझे चांस दीजिए, थोड़ा सा मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो एक सब्जेक्ट मैंने एक महीने पढ़ाया, 1 month, वो भी कोई पैसा नहीं लिया, फ्री में पढ़ाया मैंने, और अच्छा फीडबैक मिला। सर ने भी तारीफ की कि हाँ आपकी पढ़ाने की टेक्निक अच्छी है, तो मुझे लगा कि मैं इस फील्ड में भी कुछ कर सकता हूँ। तो मैंने MTech कंटिन्यू रखा वहाँ पे, और साथ ही साथ मैं सागर में मैंने कोचिंग डाल ली सैटरडे संडे ओनली, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे जाना पड़ता था MTech के लिए भोपाल। तो सैटरडे संडे में, सैटरडे को आता था, फ्राइडे की नाइट में निकलता था और सागर आके सैटरडे और संडे कंटिन्यू 5-5, 6-6 घंटे कोचिंग पढ़ाता था और मंडे फिर चला जाता था। और उस साल देखा कि बच्चों का रिजल्ट भी, कुछ कुछ बच्चे क्वालिफाइड होने लगे, तो ये MTech मेरा कंटिन्यू रहा। जैसे ही ईयर आई 2012, तो मेरी रैंक थोड़ा सा सुधर गई, 941 रैंक गेट में आ गई, लेकिन इस रैंक पे भी कुछ खास हुआ नहीं। तो MTech मेरी कंटिन्यू रही और मैंने कोचिंग को भी कंटिन्यू रखा, जो मैं कोचिंग पढ़ा रहा था सैटरडे संडे। और जैसे ही MTech खत्म हुई तो मैं भोपाल से स्विच कर गया सागर, और उस कोचिंग को जो सैटरडे संडे थी उसी को मैंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि अभी जब तक कुछ नहीं हो रहा है तो मैं अभी, मैं पहले ये बता दूं, मैं ये कोचिंग अब बंद कर चुका हूं। जब से मेरी जॉब लगी है मैं कोचिंग पढ़ाना बंद कर दिया। वो सब सिर्फ इसलिए था वो कोचिंग पढ़ाने का कि मैं
अभी स्ट्रगल कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहे, तो उस टाइम पे मैंने उस कोचिंग को थोड़ा बढ़ाया, जो 2 दिन की थी उसको कंटिन्यू किया, 7ों दिन पढ़ाना स्टार्ट किया, तो थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा मिलने लगा, बच्चे और भी आने लगे। जैसे ही ईयर आई 2013, मैंने फिर से गेट दिया और गेट में रैंक मेरी और बिगड़ गई, तो लगभग 2000 के आसपास हो गई। मैं फिर फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैं कोचिंग भी पढ़ा रहा हूँ फिर भी कहाँ गलती हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, जैसे ही मैं फ्रस्ट्रेशन पे जाने लगा, उसी टाइम पे मैंने देखा कि प्रसार भारती में इंजीनियरिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी और उसमें मेरा रिटन क्लियर हो गया। मैं बड़ा खुश हुआ कि चलो रिटन निकल गया है, अब स्टार्ट हो गया है मेरा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ होने लगेगा। रिटन निकला मेरा और इसका रिटन का रिजल्ट आया रिटन निकला। अब मैं इंटरव्यू देने गया, इसका इंटरव्यू थोड़ा लेट हो गया था, तो 2014 में इसका इंटरव्यू हुआ। और जिस दिन मैं इंटरव्यू देने ही जा रहा था, उसी दिन मेरा नंबर आने वाला था, उसके 2 घंटे पहले करीब करीब गेट का रिजल्ट आ गया, गेट 2014। और मुझे पता चला कि मेरी AIRI है 171, ऑल इंडिया रैंक 171। बहुत खुश हो गया, पता नहीं कैसे, बहुत ज़्यादा खुशी में इंटरव्यू थोड़ा सा बिगड़ गया और इसका रिजल्ट भी आया नेगेटिव, नॉट क्वालिफाइड, प्रसार भारती में नॉट क्वालिफाइड। तो यहाँ से भी वो खत्म हुई, नहीं हुआ, लेकिन मेरे अब रिटर्न निकलना स्टार्ट हो गए। MPPGCL, मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कॉरपोरेशन कंपनी लिमिटेड, इसमें मेरा रिटर्न क्लियर हो गया। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड में भी मेरा रिटर्न निकल गया, इन दोनों का मैंने रिटर्न क्वालिफाइड कर लिया। लेकिन जैसे ही इन दोनों का रिजल्ट आया तो मैंने देखा, अच्छा इन दोनों में एक ट्रेजिडी भी हुई थी मेरे साथ कि इन दोनों का जो इंटरव्यू था वो, जैसे अगर जिस दिन इसका इंटरव्यू था MPPGCL का, उसके नेक्स्ट डे था BL का, और इसका इवनिंग में था, इसका मॉर्निंग में था, इसका जबलपुर में था और इसका था दिल्ली में। बड़ा मुश्किल हो रहा था कि कैसे ये दोनों इंटरव्यू दें, लेकिन कोइंसिडेंट से फ्लाइट उस टाइम पे अवेलेबल थी कि मैंने MPPGCL में इंटरव्यू दिया, तुरंत फ्लाइट पकड़ी और रात में ही दिल्ली पहुंच गया। तो इंटरव्यू तो दोनों के दे लिए थे, लेकिन फाइनली देखा तो इन दोनों में ही नॉट क्वालिफाइड, अगेन दोनों में नॉट क्वालिफाइड। फिर मैं फ्रस्ट्रेशन पे जाने लगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे पास कुछ तो है, AIR 171 अभी है, उसका वेट करूं। तो मैंने देखा कि उस 171 की सहायता से मुझे कॉल आया बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, HPCL और IOCL, इन तीनों में, जिसमें से मुझे ये पता था कि ये दोनों पे मैं बाउंड्री में था, 171 रैंक थी, उसी के आसपास कट ऑफ गया था इन दोनों का, तो मुझे डाउट लग रहा था कि इनमें तो नहीं होगा। इसका मुझे लग रहा था कि शायद हो जाए, क्योंकि इसमें जो है रिटर्न या गेट का वेटेज 0 होता है, अगर आप इंटरव्यू अच्छा दे लोगे तो आपको इंटरव्यू के बेसिस पे ही सिलेक्शन मिलता है। तो मैंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी, मेरा बार्क का इंटरव्यू भी अच्छा गया, 1 घंटे के आसपास चला, लेकिन इनके भी इंटरव्यू अच्छे गए थे, लेकिन इसमें इन सभी में मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही इन तीनों के रिजल्ट आए तो मैंने देखा सबसे पहले तो कि इनमें नॉट क्वालिफाइड, अगेन नॉट क्वालिफाइड। अब मैं फ्रस्ट्रेट होने लगा कि अभी क्या करें, कुछ होप ही दिखाई नहीं दे रही। और साथ ही साथ 2014 में ही मैंने UGC नेट क्वालिफाइड किया फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी मैंने क्वालिफाइड किया, लेकिन इसकी सहायता से भी कोई कॉल मुझे नहीं आया कहीं से, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये अगर नेट आपके पास है तो अगर कहीं पे कोई जॉब कोई वैकेंसी निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर की तो आपको कॉल आएगा, लेकिन वहां से भी मुझे कोई कॉल नहीं। अब 2015 आ चुका था, तो वो 171 रैंक पे इतना कुछ हुआ लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने 2000 जैसे ही 15 दिया तो अगेन अब रैंक आई 414। तो मैं फ्रस्ट्रेट की जब 171 पे कुछ नहीं हुआ तो 414 पे क्या होने वाला है, 414 पे तो यहाँ से भी कॉल नहीं आना है, यहाँ से भी नहीं आना। लेकिन बार्क में एक ऑप्शन होता है कि रिटर्न भी दे सकते हो आप और गेट के थ्रू भी, तो मैंने बार्क का रिटर्न दिया अलग से, और
इस पूरे ड्यूरेशन में मैं कोचिंग जो पढ़ा रहा था वो कंटिन्यू थी पूरा 2011 से लेके अभी तक मैं कोचिंग पढ़ा रहा था। बच्चे बढ़ते जा रहे थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं कुछ कर रहा था तो मैं फुल्ली फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ। बार का रिटर्न दिया था तो ये इसमें तो मैं डिप्रेस हो गया कि ये रैंक तो फिर से बिगड़ गई। हम तो सोच रहे थे अंडर 100 आएगी लेकिन ये तो 414 हो गई। फिर से बार का रिटर्न दिया था तो रिटर्न में क्वालिफाइड हो गया। अब मुझे फिर से कुछ उम्मीद लगी कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि मेरा बार का जो है वो रिटर्न निकल चुका है। लेकिन किस्मत देखिए कि बार में भी अगेन नॉट क्वालिफाइड, इंटरव्यू में नॉट क्वालिफाइड, इंटरव्यू में इसमें भी बाहर हो गया। कोइंसिडेंट से गेट 2014 जिसमें मेरी 171 रैंक थी उसके थ्रू RVNL में, रेल विकास निगम लिमिटेड में, साइट इंजीनियर की पोस्ट निकली और मैंने वो इंटरव्यू भी दिया। उसमें मेरी फोर्थ रैंक थी तो उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया मेरा। फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद ही मुझे कुछ अच्छा लगने लगा कि चलो अब सिलेक्शन होने लगे हैं। मैंने RVNL ज्वाइन कर लिया, RVNL ज्वाइन कर लिया। ये लगभग 3 महीने मैंने ये जॉब की थी, 3 महीने। RVNL जैसे ही ज्वाइन किया उसके 1 महीने के बाद ही उसी गेट से, ये 171 के थ्रू, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड इस कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर, जो कि पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है फिर 2 या 2 साल के बाद प्रोफेशन के बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है, उसमें मेरा कॉल आ गया इंटरव्यू के लिए BVNL में। साथ ही साथ जो मैंने गेट 2014 दिया था उसके थ्रू पॉलिटेक्निक MP में कॉलेज है उसमें लेक्चरर की पोस्ट के लिए भी कॉल आ गया। ये लेक्चरर की पोस्ट जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के ही इक्विवेलेंट है, सेम सैलरी है जो इंजीनियरिंग कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की है वही पॉलिटेक्निक कॉलेज के लेक्चरर की सैलरी है, तो इसमें कॉल आ गया। तो ये जॉब भी मुझे अच्छी लगी तो मैंने इसका इंटरव्यू दिया और इसका इंटरव्यू दिया। दोनों के इंटरव्यू बहुत ही अच्छे गए, बहुत ही शानदार इंटरव्यू गए। लेकिन पहले कॉल, मतलब ये जॉब करने के 3 महीने बाद ही इसका रिजल्ट आ गया और मैं इसमें हो गया क्वालिफाइड फाइनली। मुझे ये जॉब बहुत अच्छी लगी, मैंने यहां से स्विच किया, इस जॉब में मैं कंटिन्यू हो गया। इस जॉब को किया 2 महीने लगभग, 2 मंथ नहीं, 2 महीने नहीं, इसको मैंने ज्यादा कर लिया था, 6 मंथ करीब कर लिया था, इसका रिजल्ट लेट हुआ था। BVNL का रिजल्ट आया, इसमें भी मैं क्वालिफाइड, लेकिन चूंकि मैं कंटिन्यू 2010 से लेके अभी तक कोचिंग करा रहा था, कब तक, जब तक जॉब नहीं लगी। जैसे ही जॉब लगी थी RVNL में मैंने कोचिंग बंद कर दी थी, उसके बाद फिर कोचिंग कभी नहीं पढ़ाई। तो टीचिंग मुझे वैसे लगने लगी थी जैसे किसी की हॉबी होती है ना भाई, किसी की हॉबी अगर चेस खेलना हो और उसे चेस खेलने के पैसे मिलने लगे तो क्या उसे लगेगा वो काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मुझे वही चीज मिल चुकी थी कि मुझे ऐसी चीज मिल गई जो मेरी हॉबी है और उसके मुझे पैसे भी दिए जा रहे हैं। तो मैंने BVNL, हालांकि इसमें ग्रोथ मेरी अच्छी होने वाली थी, बहुत अच्छी हो सकती थी, इससे कई गुना ज्यादा, हालांकि इनिशियल सैलरी लेक्चरर में ज्यादा थी लेकिन ग्रोथ जो है वो PSU में अच्छी होती है, तो यहाँ मैं, मुझे ग्रोथ के बहुत चांसेस थे लेकिन मैंने ये वाली जॉब छोड़ दी। थोड़े ही टाइम बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी मुझे इसी गेट से 171 रैंक से कॉल आ गया और उसमें तो बहुत सारी वैकेंसीज थी, 400 करीब वैकेंसी थी, 100% उसमें भी हो जाना था क्योंकि जो मेरी रैंक थी उससे ज़्यादा वैकेंसीज थी तो उसमें भी सिलेक्शन हो जाना था, लेकिन उसमें भी मैंने जाना उचित नहीं समझा क्योंकि जब जाना ही नहीं है तो इंटरव्यू देके एक सीट बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने इसलिए दिया था BVNL क्योंकि पैरेलल में दोनों एग्जाम थे। अब मैं ज्वाइन हो चुका था तो मैंने ये भी छोड़ दिया, साथ साथ एक CEL में कॉन्ट्रैक्ट की जॉब निकलती है वो भी इंटरव्यू आया था, वो भी मैंने छोड़ दिया। अब फाइनली मैं इसमें आ गया लेक्चरर में, किसमें, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और जॉब भी बहुत अच्छी, बहुत शानदार जॉब चल रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं इंजीनियरिंग किया, M.Tech किया और पॉलिटेक्निक के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, सब उनको किसी काम का ही नहीं था, मैं उन्हें पढ़ाता तो उनके किसी काम का नहीं था, तो मुझे लगा कि जॉब तो ठीक है, पैसा भी ठीक है, सब कुछ सही है, लाइफ सही चल रही है, लेकिन मेरी 5 साल जो मैंने मेहनत की उससे मुझे जॉब तो मिल गई लेकिन बाकी मैं उसका यूटिलाइजेशन कैसे करूंगा, वो सब तो वेस्ट जा रहा है, मैं धीरे धीरे भूलता जा रहा हूँ। तब कहीं ना कहीं मुझे
मैंने खुद भी सोचा और मेरी वाइफ ने थोड़ा सा मुझे गाइड किया कि आप ऐसा कीजिए, कोचिंग तो मैंने मना कर दिया था, वो भी बोलती थी कोचिंग तो अब मत पढ़ाइए, पैसे अपने पास आ रहे हैं तो कोचिंग खोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उसने गाइड किया कि आप एक काम कीजिए, आप अगर पढ़ाने चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, तो अपना नॉलेज आप बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, यहाँ तो बहुत कम लोगों के पास पहुंचता। तो मैंने फिर स्टार्ट किया ये गेट क्रैकर्स, और इस गेट क्रैकर्स को अभी स्टार्ट हुए अभी आज जो आज के टाइम पे जो मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 9 मंथ हो चुके हैं और काफी कुछ सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं, बहुत सारे व्यूज भी हो चुके हैं, फीडबैक भी अच्छा मिल रहा है, तो ये अच्छा चल रहा है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके थ्रू लोगों तक अपना जो 5 साल के स्ट्रगल का नॉलेज है वो पहुंचाता रहूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब सुनने के बाद आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जब एक रास्ता बंद होता है और आप अगर शिद्दत से मेहनत करते हैं तो तुरंत दो रास्ते खुल जाते हैं। आप स्ट्रगल करते रहिए, कहीं ना कहीं सफलता आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। और गेट क्रैकर्स मेरा कंटिन्यू रहेगा, मैं इस पे वीडियो अपलोड करता रहूंगा, जो भी जिसको जो भी सहायता चाहिए है आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैं लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप की, 2 ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, 3रे ग्रुप की लिंक दे दूंगा, हो सकता है आगे चल के वो ग्रुप भी फुल हो जाए तो मैं चेंज करता रहूंगा लिंक को, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक पे भी हमारे पेजेस हैं और ग्रुप्स हैं, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, उनके भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, जिससे बाकी लोगों तक भी ये बातें पहुंच सकें, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों तक लेटेस्ट अपडेट पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।